साथियों, 2000 रुपए के नोट को लेकर एक ऐसी खबर है जो आपको चौंकाने वाली है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है। ये नए नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे। हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल में आरबीआई ने इसका खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि इस वित्त वर्ष में 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह आरबीआई ने कोई नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस नोट की छपाई रोकने के पीछे वह ब्लैक मनी और नकली नोटों का जो प्रचलन बढ़ाए उसको रोकना है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2016 में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर बैन लगा दिया था। इसके बाद आरबीआई ने 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। इसके बाद फिर 500 रुपए का भी नया नोट जारी किया गया था। 2000 के नोटों को लेकर बैंक का यह भी कहना है कि हमारे पास सिस्टम में 2000 रुपए के नोट पर्याप्त रूप से है। सर्कुलेशन में वैल्यू के लिहाज से 35% से अधिक नोट 2000 रुपए के हैं। 2000 रुपए के नोट की छपाई फिर से होगी या नहीं, इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बताया गया है कि 2000 के नोटों की वैल्यू अधिक होने के कारण ब्लैक मनी का प्रचलन, भ्रष्टाचार के साथ ही जाली नोटों की समस्या भी आती है। NIA ने हाल ही में खुलासा किया था कि पाकिस्तान से 2000 रुपए के नकली नोटों की खेप भारतीय मार्केट में पहुंचाई जा रही है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत से छापों में जब्त किए गए नोटों में से अधिकतर 2000 रुपए के ही पाए गए हैं। माना जा रहा है कि 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद करने से कुछ हद तक ब्लैक मनी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, वहीं जाली नोटों की समस्या से भी निजात मिलेगी। साथ ही बड़ी वैल्यू के नोट नहीं होने से लोग पेमेंट के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।